और मैं हूँ अच्छी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को बालों में पसीने बहुत आते हैं और उन पसीनों की वजह से बहुत ही गंदी सी स्मेल आती है जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, चाहे आपके खुद के बाल हो या फिर आप दूसरों के बालों में ऐसी स्मेल को महसूस करते हैं। सो ये होता है रीजन कि जब आप एक्स्ट्रा केयर ना करते हुए, यानी कि कुछ लोग होते हैं कि जो भी पाया वो लगा लिया या फिर अपने बालों की इस तरीके से ध्यान नहीं रखते हैं या फिर सब कुछ करते हैं फिर भी उनके जो स्किन स्कैल्प होता है वो कुछ ऑयली सा होता है, जिससे जिसकी वजह से स्कैल्प पे हमेशा ही पसीने जो होते हैं बालों में पानी सा पसीना सा रहता है और उनमें बहुत ही गंदी सी स्मेल आती है जो कि कई जगह पे एम्बैरेसमेंट भी करती है। अगर आप कहीं भीड़ भाड़ इलाके या फिर कहीं गए हुए हैं और आपके अगल बगल कोई पर्सन खड़ा होकर अगर आपसे कह देता है कि मतलब आपकी इसमें आ रही है बालों से, तो उस जगह पे बहुत ज्यादा मतलब यहाँ पे खराब फील होता है। सो इस तरह की प्रॉब्लम ना हो, साथ ही साथ आपके बालों की जो ब्लैकनेस है वो भी बरकरार रहे और आपके बालों में स्कैल्प में ड्राइनेस रहे, यानी कि बहुत ज्यादा चिपचिपापन पसीने की बदबू वगैरह ना रहे, तो उसके लिए आज की जो रेमेडी है ये इन सारे ही सॉल्यूशन को मतलब पूरी तरह से सॉल्व करेगी। जो भी आपके समस्याएं हैं बालों से जुड़ी हुई, चाहे आपके स्कैल्प में बहुत ज्यादा पसीना होता है, पसीने से बदबू आती है, या बहुत ज्यादा ड्राइनेस है, या बहुत ज्यादा ऑयलीनेस है, या बहुत ज्यादा आपके स्कैल्प के अंदर डैंड्रफ जम जाता है और बहुत हेयर वॉश या बहुत सारे ट्रीटमेंट करने के बाद भी नहीं निकलता है, एंड या फिर आपको व्हाइट हेयर की प्रॉब्लम है। सो ये जो आज की रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो इन सारी ही चीजों को आपके बालों से बिल्कुल दूर कर देगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, एंड वीडियो में न्यू है, चैनल में न्यू है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए विद बेल आइकन के साथ, ताकि कोई भी अपडेट एंड नोटिफिकेशन आए वो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप मेरी वीडियो को सबसे पहले वॉच कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। व्हाइट हेयर के लिए एंड बालों में स्कैल्प में चिपचिपे और पसीने की बदबू को दूर करने के लिए आपको यहाँ पे चाहिए एलोवेरा जेल। सो मैंने यहाँ पे ट्रांसपेरेंट गुड वाइब्स का एलोवेरा जेल यूज़ किया है। अगर आपके पास फ्रेश है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप किसी भी अनदर ब्रांड का यहाँ पे ले सकते हैं। तो 1 स्पून के करीब हमें यहाँ पे एलोवेरा जेल लेना है, एंड इसके बाद आपको यहाँ पे 1/2 लेमन यूज़ करना है, यानी कि 1/2 लेमन का जूस आपको इस एलोवेरा जेल के अंदर डालना है। ये दोनों ही चीज़ आयुर्वेदिक तौर से हर्बल होते हैं, नेचुरल होते हैं, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है बालों पे अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो। और ये सबसे नेचुरल चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एज अ प्री मेच्योर हेयर ग्रोइंग की, साथ ही साथ आपके बालों में किसी भी तरह की कोई भी डलनेस, ड्राइनेस या इचनेस या स्कैल्प में चिपचिपेपन या पसीने की बदबू वगैरह की प्रॉब्लम है वो भी इससे रिड्यूस हो जाएगी। सो 1/2 स्पून हमें यहाँ पे 1/2 लेमन जूस हमें यहाँ पे ले लेना है। पहले हम अच्छे से इसको निकाल लेंगे, मतलब अच्छे से इसका रस जो है यहाँ पे कर लेंगे, उसके बाद सीड्स को हम बाहर कर लेंगे। आप इसके बारे में गूगल में पढ़ सकते हैं या फिर कोई भी आयुर्वेदिक बुक स्टोर पे जाकर के इसके बारे में पता भी कर सकते हैं। तो ये हमारे बालों को नेचुरल तरीके से काला करता है। सो देखिए मैंने यहाँ पे इसको कर दिया है। सो हम यहाँ से इसके जो सीड्स हैं उसको यहाँ से रिमूव कर देंगे। मैंने यहाँ पे सीड्स को अच्छे से निकाल दिया है। अब हमें यहाँ पे एलोवेरा के साथ लेमन जूस को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और किसी कॉटन की हेल्प से आपको इस पे लगाना है। आप चाहें तो इसे थोड़ा ज़्यादा मात्रा में बना के स्प्रे बॉटल में रख सकते हैं और डेली नहाने के पहले स्प्रे करके अपने बालों को अच्छे से, यानी कि इसको जो लगाने का टाइम है वो भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग समय तक आपको नहीं रखना है बालों में, जब भी आप नहाने जा रहे हों और जब भी आपको अपने हेयर को वॉश करना हो। आप चाहें तो इसको हेयर वॉश ना भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब आप अपने बालों में से लगाएंगे तो ईजिली एब्जॉर्ब हो जाएगा और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कुछ अपने बालों में लगाया है। सो आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपको नहीं, आपको वॉश करना ही है तो आप जब भी नहाने जा रहे हों उसके आधे घंटे पहले इसको अच्छे से कॉटन की हेल्प से या फिर स्प्रे करके बालों में, जड़ों में अच्छे से लगा करके
और मसाज करके हाफ आवर तक छोड़ दीजिए। एंड इसके बाद अपने हेयर को वॉश कर लीजिए। शैम्पू से एज अ कंडीशनर भी यूज़ कर सकते हैं, या नॉर्मल शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, या फिर नॉर्मल पानी से भी वॉश कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इसे करना है अपने बालों में, और हफ्ते में 3 बार, यानी कि 3 बार अगर हेयर वॉश करते हैं तब कीजिए, या फिर अगर आप हेयर वॉश की प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसको डेली भी अप्लाई कर सकते हैं अपने बालों में, और बिल्कुल भी आपके बालों में पता नहीं चलेगा कि आपने कुछ अपने बालों में लगाया है, ऐसा ना चिपचिपा रहेगा, क्योंकि ये इसी चीज़ के लिए है। ये आपके बालों से जितनी भी चिपचिपेपन की, यानी पसीने की जो भी चिपचिपाहट है, उसको पूरी तरह से ख़त्म करेगा, आपके जड़ों को मजबूत करेगा, और जड़ों से ये आपके बालों को काला करना स्टार्ट कर देगा विद इन 10 डेज के अंदर, अगर आप इसको रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो। सो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई हो, तो ढेर सारा लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए, एंड अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए फिर से मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, हैव अ गुड डे, बाय।